ये मार्ग यहाँ से निकलकर शीशगढ़ दुमका होते हुए बरेली को भी निकल जाता है और कताई मिल रोड होते हुए ये उत्तराखंड से भी जुड़ जाता है। यहाँ जो सड़कों में गड्ढे हैं उसके बारे में हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह की परेशानी हो रही है। सड़कों में गड्ढे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? हमें यहाँ पर जब बरसातें होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ से निकलते हुए ऐसे जी छिट्टे उट्टे निकल पड़ते हैं और यूनिफॉर्म पहन के जाओ तो कुछ भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर जाते हुए हमें, या किसी बाइक से जाएं तब भी हमारे ये गड्ढों के कारण से हमें कॉलेज जाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होती हैं। क्या लगता है आपको, योगी सरकार ने वादा किया था कि 30 जून तक, पहले 15 जून कहा गया फिर 30 जून कहा गया कि हम सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, उस पर कोई कार्रवाई हो पाई? कहीं भी हुई हो फिलहाल इस जगह तो हुई नहीं है, हमें जाने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर बस। आपका क्या कहना है, किस तरह की परेशानी महसूस करती है यहाँ से जाते हुए? यहाँ पर हमें जब कॉलेज से जाते हैं और आते हैं तब काफ़ी तकलीफ महसूस होती है, बाइक से आते हैं तो बहुत गड्ढे वगैरह पड़ते हैं, उन्होंने भले ही कहीं और भी कुछ कराया फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं किया। ये गड्ढे वगैरह से पैदल आने में दिक्कत होती है और क्या बोल, कॉलेज आते हैं यूनिफॉर्म ख़राब होती है तो ये यही है, और ये सवारियाँ भी ख़राब हो जाती हैं जहाँ तहाँ सवारी। कौन से कॉलेज पढ़ते हैं सर? दर्शन सिंह डिग्री कॉलेज। क्या मानते हैं जो पहले 15 जून फिर 30 जून की एक डाइन दी गई थी कि एक टाइम तक काम हो जाएगा, सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, सर ये हद तक अमल हुआ आज तक? सर गड्ढे सर कभी भी भरे जाते हैं लेकिन यहाँ तो सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, ये हमने वो संभाला यही देखा है कि ये रोड। थैंक यू। इसीलिए किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं दर्शन सिंह से आता हूँ, मेरा गाँव यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली क्या है कि मैं बाइक से भी आ सकता हूँ बट क्या है कि प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से आने जाने की रेगुलर अटेंड नहीं कर पाता क्लास, इसी वजह से बस से आना पड़ता है, रेगुलर नहीं आ पाता, घर पे प्रॉब्लम होती है इसी के आने से, और ये ड्रेस वगैरह इसमें प्रॉब्लम आती है रोज़ाना। क्या लगता है आपको, ये जो सड़कों में गड्ढे हैं, आपके यहाँ पर शॉप है तो किस तरह की परेशानी यहाँ लोग निकलने पर महसूस करते हैं, और आपको कितना लगता है कि क्या बिजनेस यहाँ फर्क पड़ रहा है? एक साल से हो गया ज़्यादा इस गड्ढा टूटे हुए गिर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, टांगे वाले गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं और पानी भर जाता है, और यहाँ पर आवागमन बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कभी लोग आते हैं जो लोग भागते हैं चोटें लगती हैं। ये सड़क बताते हैं यहाँ से जाके उत्तराखंड से भी जुड़ जाती है, ये तो किस तरह से व्यापार पर किसी तरह कोई फ़र्क आया? नहीं, यहाँ पर यह है कि जो ट्राली ट्रैक्टर उससे लोग आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है उन्हें आने में, और वो माल ले आने की बहुत दिक्कत है कि समझ रहे हैं। योगी सरकार ने जो 30 जून का टाइम दिया था, पहले 15 जून कहा था फिर 30 जून, क्या लगता है तो अभी तो मुमकिन नहीं है कि ये पूरे हो पा रहे, तो सरकार तो चाहे तो एक दिन में सही हो जाए, क्या सरकार नीति क्या है वो। गिरे यहाँ से जा रहे थे या वापस आ रहे? हम लोग स्कूल से वापस आ रहे थे, रास्ते में गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल फिसल जाने के कारण हम लोगों के काफ़ी चोट लग गई, तब से हम लोग घर पे ही हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया इलाज कराते हुए, और गड्ढे इतने हैं कि सड़क तो है ही नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, ये प्रशासन की एक प्रक्रिया है जो देख रहे हैं, इतने दिनों से लगातार कंप्लेंटें हो रही हैं, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई सरकार कोई प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लगातार लोग घायल होते चले जा रहे हैं। क्या प्रशासन आज ये देख रहा है कि एक आध की मौत हो जाए तभी हम सड़क को संभलवाएँ? क्या लगता है आपको, जो योगी सरकार की तरफ से वादा किया गया था 30 जून तक का जो टाइम दिया था गड्ढा मुक्त करने का, वो उस पर कितना अमल हुआ है क्षेत्र में? उस पर कुछ भी, हमारी सड़क पर तो कुछ भी अमल नहीं हुआ है, हम आसपास की सड़कें भी देख रहे हैं वो भी इसी तरीके से हैं, लोगों को बहुत आने जाने में दिक्कत हो रही है, जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं वो बहड़ी आने से भी कतराते हैं, बहुत ज़रूरत की चीज़ें लेने आने से भी कतरा जाते हैं, सोचते हैं जाएंगे तो चोट फेट लगेगी इसलिए ना जाएं। तथा हम जैसे कुलवा डांडे का पुल क्रॉस करा, पुल क्रॉस करते ही खान एकदम गड्ढे में पिछला पहिया जो पड़ा गाड़ी पलट गई, और पलटने के संग ही वो पूरा गियर घूम गया उसका अपने आप ही, और मेरी मिसिस के पीठ पे जो लगी है तो वो आज भी उठने से मजबूर हैं, खाली बैठी रहती हैं, बैठने के अलावा उनका कोई काम करने का हिम्मत नहीं पड़ती है, और मेरे तो घुटने में काफ़ी चोट आई। ये है यहाँ की सड़क का हाल, जहाँ तक के दावा किया गया था सरकार की तरफ से, वो दावा इस क्षेत्र में तो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। कैमरामैन मुमताज़ के साथ अब्दुल वाजिद, न्यूज़ बॉक्स, बरेली।